दोस्तों नमस्कार। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या देवी मातंगी है। मातंगी देवी प्रकृति की स्वामिनी देवी है। माता मातंगी को सुमुखी, लघु श्यामाया श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश मातंगी, मातंगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन भी तो चाहिए। गुप्त नवरात्रि में नवमी तिथि को देवी मातंगी की उपासना होती है। अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख शुक्ल की तृतीया को इनकी जयंती आती है। मातंग शिव का नाम है। इनकी शक्ति मातंगी है। ऐसी मान्यता है कि मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए कोई व्रत नहीं रखा जाता। यह देवी केवल मन और वचन से ही तृप्त हो जाती हैं। देवी मातंगी का रंग गहरा नीला और मस्तक पर अर्धचंद्र और मां के तीन उज्जवल नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में हैं। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चार भुजाओं में इन्होंने कपाल जिसके ऊपर तोता बैठा है, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया है। माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती हैं। मान्यता अनुसार कहते हैं कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन भोग लगा दिया, जिससे देवगण और शिवगण नाराज हो गए। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडलियों की भक्ति और सच्चे भाव को देखते हुए देवी ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार कर लिया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। माँ को जूठन का भोग अर्पित किया जाता है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। पलास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेलपत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने प्रतिभा कौशल से या कला से, संगीत से दुनिया को प्रभावित कर प्रसिद्धि पाता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारग है। कहते हैं कि देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मातंग ऋषि की पुत्री थी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से मातंग ऋषि के यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। आज भी भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग विद्यमान हैं। मान्यता अनुसार मातंग समाज, मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और मां पार्वती से मिलने कैलाश आए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर आए थे, जिसे उन्होंने शिव जी को भेंट में दिया। भगवान शिव और मां पार्वती ने विष्णु जी के लाए भोजन को खाया तो भोजन का कुछ हिस्सा धरती पर गिर गया। उस गिरे हुए भोजन से श्याम वर्ण वाली एक देवी ने जन्म हुआ, जो मातंगी देवी के नाम से विख्यात हुई। यही वजह है कि माँ मातंगी को जूठन का भोग लगाया जाता है। जय माता दी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।